हे गाइस, वेलकम टू काटा बाजार। आइए दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको डिस्प्ले का प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है और हम लोग उसको ना जानते हुए, पता ना होने की वजह से हम लोग वो डिस्प्ले को फेंक देते हैं और उसको यूज नहीं करते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डिस्प्ले की छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। मैं इसको खुद करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए। और आइए दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली आपको वीडियो पे ले चलता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिस्प्ले का कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। फ्रंट का आपको इस तरीके से दिख रहा है, प्रॉपर चलता हुआ डिस्प्ले, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडियन में कोई भी डिस्प्ले यूज करते हैं तो उसके पीछे इस तरीके का आपको दिखेगा, एक पॉइंट 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 रहेगा और वहाँ पर सोल्डिंग किया हुआ रहता है। तो इनकेस कभी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए डिस्प्ले में तो आप इसको इसके बैक साइड से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में वर्किंग डिस्प्ले, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं इसमें आपको दूसरा डिस्प्ले दिखाता हूँ कि दूसरे डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे आता है आपको। जैसे देखिए, ये डिस्प्ले है, ये भी डिस्प्ले आपको एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो आपको दिखा नहीं होगा, इसके जो बारीक पॉइंट पॉइंट है ना, बीच के छोटे छोटे पॉइंट, ये दिख नहीं रहे। तो अगर आप कैपेसिटी सेट करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट आपको जलेगा नहीं, अगर ये पॉइंट नहीं जलेगा तो फिर मालूम नहीं पड़ेगा ये केजी में है कि ग्रामेज में है, कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी कस्टमर जल्दी से मानता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे कहीं तो कोई ट्रैक या तो क्रैक रहेगा, ट्रैक टूटा रहेगा, या तो फिर किसी सोल्डिंग में प्रॉब्लम रहेगा। जो भी रहेगा मैं आपको अभी इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम है। फिर देखिए, आपको इस तरीके का जो ग्रीन डिस्प्ले होता है, ये देखिए इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक डिजिट कट रहा है और ये डिजिट में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए अब इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखेगा, यहाँ पे दो डिजिट एक्स्ट्रा चल रहा है बीच का, फिर यहाँ का ये डिजिट कट रहा है। तो ये जब आप ऐसा ये ज़्यादा कुछ जाएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम करता है। जैसे कि अभी देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ बीच में कटता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बीच का डिजिट कट रहा है। देखिए, तो इसको भी आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ये दो के बीच का डिजिट जो जा रहा है, इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको आप किस तरीके से प्रॉपर से रिपेयरिंग कर सकते हैं। फिर ऐसे बड़े साइज का जो एक इंच का डिस्प्ले होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका ट्रैक पीछे ही कुछ इस तरीके से होता है, ये बड़ा बड़ा सा पॉइंट निकला होता है और वो टेढ़ा उढ़ा होके फिर टूटा रहता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक मिनट शायद आप देख पा रहे हो, तो इसमें देखिए कहीं कहीं से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्रैक है, ये आपको इस तरीके से क्रैक दिख जाएगा। देखिए जहाँ पे सोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, फिर ये बड़े बड़े इसके वो होने की वजह से ये टेढ़ा हो जाता है और एक दूसरे में शॉर्ट होता है, तो इसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो इनकेस देखिए, अभी आपको ये दिख रहा है, ये हुआ चालू, यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्ले में प्रॉब्लम, मल्टीपल डिजिट में प्रॉब्लम है, जैसे आगे का डिजिट जल नहीं रहा है, पीछे के सारे डिजिट कट रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं ये भी अभी आपको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अभी देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें भी वो सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर एक डिजिट आ नहीं रहा है बीच में, ये कोई भी डिजिट यहाँ पर बीच वाला जल नहीं रहा है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें बड़े बड़े पॉइंट हैं, एक दूसरे में शॉर्ट होते हैं और कटते रहते हैं, तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट बीच का नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रॉपर केजी में है कि कौन से सिस्टम पे चल रहा है। तो ये बड़े बड़े ये टांग होने की वजह से इसके इसको कट करना चाहिए था, एक्चुअली उन्होंने कट नहीं किया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर जैसे देखिए दोस्तों, ये होता है चाइना वाला डिस्प्ले, जो चाइना का डिस्प्ले आजकल जो सस्ती मशीनों में डाल के आता है, इसको एक्चुअली इसमें भी प्रॉब्लम है, बट इसको रिपेयरिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि इसके पीछे जो है वो आप इस तरीके का कुछ होता है, आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सोल्डिंग नहीं है, ये प्लास्टिक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्लास्टिक का पॉइंट है। तो इसको पीछे से रिपेयरिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट इसको आगे से एक बार के लिए रिपेयरिंग किया जा सकता है, क्योंकि आगे से कुछ इस तरीके से ये होता है। आप देख सकते हैं इसके बीच बीच में छोटे छोटे एलईडी बल्ब हैं,
बट इसको फिर भी रिपेयरिंग करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो मुश्किल है कि इसमें हो जाए, क्योंकि इसको उखाड़ देंगे एक बार तो ये प्लास्टिक निकल जाएगा, फिर ये चलेगा नहीं, वापस फिर चिपकाना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बेटर है कि अच्छा डिस्प्ले यूज किया जाए और अच्छे तरीके से यूज किया जाए। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाया था ग्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे दो डिजिट एक्स्ट्रा जल रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे बीच में दो डिजिट एक्स्ट्रा जल रहा है और ये बीच का डिजिट कट रहा है, जैसे दो बना तो इसके बीच में डिजिट नहीं आ रहा है। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसके बैक में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर किसी ना किसी पॉइंट में प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोल्डिंग का प्रॉब्लम है, कम है सोल्डिंग। और इस तरीके से अगर यहाँ पे ये डिजिट में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा कि इसके बीच की जो लाइन है, बीच की लाइन कट रही है, मतलब इसमें से जो ये लाइन आ रही है, आप अगर देख पाए तो ये बीच की लाइन यहाँ से, तो यहीं से ये प्रॉब्लम है। तो मैं इसको अगर रीसोल्डिंग करता हूँ तो शायद ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए, जो कि वो बीच का ये डिजिट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए आप इस तरीके से उसको शोल्डर से कर सकते हैं रिटर्न में। कभी भी फिर से इसको चालू कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका सारा का सारा डिजिट एक जैसा हो गया। देखिए आपका ये जो प्रॉब्लम था दो अभी परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे बीच के सारे लाइन एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि आपको दूसरे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप कैसे कर सकते हैं सॉल्व। जैसे कि दूसरा कौन सा डिस्प्ले था, ये वाले में क्या प्रॉब्लम था, अच्छा हाँ इसमें ये डिजिट नहीं आ रहा है। ये डिजिट अगर ये छोटे छोटे नहीं आ रहे, मतलब ये पॉइंट से कहीं से तो इसका ट्रैक टूटा हुआ है। ट्रैक टूटा है यार, रिसोल्डिंग करके हो जाएगा। जस्ट एक मिनट देख लेते हैं, रीसोल्डिंग करके हुआ तो मशीन को बंद कर लें कभी भी। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक क्रैक लग रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक क्रैक है। तो अगर यहाँ पे क्रैक है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इसको सोल्डिंग कैसे करना रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अतुल वो ब्लेड दो ना ज़रा, ब्लेड दो। तो आप इसको अगर ट्रैक से प्रॉब्लम रहे, कभी ट्रैक टूटा रहे, तो आप इसको ट्रैक किसी ब्लेड से हल्का सा आप साइड से उसको साफ कर सकते हैं। हल्का सा साइड से साफ करेंगे तो इसका जो कॉपर वाइंडिंग है वो बाहर आ जाएगा, फिर आप उस पर ईजिली रीसोल्डिंग कर पाएंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ ये इसको सोल्डिंग करने का, और अगर इनकेस ज़्यादा बड़ा कहीं से
प्रॉब्लम हो तो आप इस पे जम्पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सोल्डिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, तो मैं इस पे एक जम्पर लगा देता हूँ। जम्पर की वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट यहाँ और ये ट्रैक यहाँ। तो अतुल एक छोटा वायर दो, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, तो थोड़ा सा बने रहेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ये एक्चुअली कोई फ्लैट केबल का वायर नहीं है क्या जिससे पतला जम्पर हो सके। चलिए मैं आपको एक मोटे वायर से ही दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसमें पतला मिला दो जरा। तो दोस्तों जैसे कि इस तरीके का जो फ्लैट केबल का वायर होता है पतला वाला, आप उससे जम्पर भी लगा सकते हैं। जम्पर में क्या होगा कि आपका जहाँ से ट्रैक टूटा होगा वो ट्रैक को उठा के आप उसके आगे लगा देंगे तो आपका डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करेगा। तो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। कभी भी वायर सोल्डिंग करने से पहले आप इस तरीके से वायर में पहले सोल्डिंग कर लें, फिर ट्रैक में सोल्डिंग करें। तो आपको ट्रैक में सोल्डिंग करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो मैं कट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे शॉर्ट ना हो। अब ये ट्रैक से अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्रैक है, तो ये ट्रैक कहाँ जा रहा था, मतलब तो इस पॉइंट में जा रहा था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जम्पर का पॉइंट है उसको इस पॉइंट में जोड़ दूँगा। अब ये वाला पॉइंट इधर से कहाँ पर आ रहा था, ये इस पॉइंट में, तो जम्पर का वायर जो है मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के सोल्डिंग करना क्योंकि एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। देखिए इस तरीके से आप पतला छोटा जम्पर लगा सकते हैं। यहाँ से ट्रैक अगर क्रैक हो या ट्रैक टूटा हुआ हो, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको दिखे तो ये देखिए ये आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। यहाँ पे पॉइंट जलना शुरू हो गया आपका, ये देखिए ये सारे पॉइंट जलने लगे यहाँ पे। अब ये केजी में पॉइंट जल रहा है, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आप इस तरीके से इस पर जम्पर लगा सकते हैं। डिस्प्ले का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको दूसरे दो बड़े डिजिट के जो डिस्प्ले थे मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक, एक काम करते हैं, पहले ये जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। इसका पीछे का साइड आप देख सकते हैं इतना इस तरीके से, इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे क्या, हाँ इस तरीके से देखिए इसमें बहुत जगह पे कंप्लेन है। देखिए यहाँ पे इसका पूरा ट्रैक ही उखड़ गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। इसका जो पॉइंट है उसको मैं एक्स्ट्रा कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको रिटर्न में सोल्डिंग करूँगा। तो आप इस तरीके से, आपके पास कोई अच्छा कटर होगा उससे आप इसका पॉइंट कट कर सकते हैं ताकि एक दूसरे में शॉर्ट ना हो, इनकेस अगर ऐसा कोई शॉर्ट का प्रॉब्लम हो तो। अतुल कोई और अच्छा कटर है जो इजीली कट सके? एक्चुअली ये कटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे कई जगहों पे ये शॉर्ट है और इसकी वजह से वो तो जैसे दोस्तों मैंने इसमें का जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे या जो भी यहाँ वहाँ शॉर्ट हो रहे थे उनको सबको हटा दिया है। पूरे पॉइंट तो नहीं कटे क्योंकि उसके लिए एक अच्छा कटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना भी था हमने अलग अलग कर दिया। अब इसको मुझे पूरा ट्रैक को रीसोल्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि लगभग ट्रैक यहाँ पर उखड़ रहा है। तो मैं इसको रीसोल्डिंग कर देता हूँ और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। जैसे कि अभी देख सकते हैं अभी भी जब हमने ये कट करके लिया तो भी अभी ये प्रॉब्लम सेम का सेम ही है। कोई डिजिट नहीं जल रहा है, कोई आधा जल रहा है, ऐसा इस तरीके से। तो अभी मैं इसको
प्रॉपर पहले सॉल्व कर लेता हूँ एक बार सोल्डिंग करके, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि ये रेडी हुआ कि नहीं। तो मुझे इसको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा रीसोल्डिंग करने में। अगर आपको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो कि ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व, वैसे अगर आप ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप डिस्प्ले इसको चेंज ही कर सकते हैं। चेंज करने का भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई बदल दिया, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और रेडी भी होगा इसकी कभी कभी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसको करते समय कोई कोई डिजिट शॉर्ट हो जाता है तो बीच से एक आध डिजिट जलना बंद हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसको एक बार तो ट्राई करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर होता है कि नहीं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर अगर आपको पूरी तरीके से समझना है कि आप डिस्प्ले अपना कैसा रिपेयर कर सकते हो तो बेटर है कि आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो बीच से मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रैक इसमें का बहुत जगह से उखड़ गया है पूरा पूरा, ऐसे जल्दी से कोई डिस्प्ले रिपेयरिंग नहीं करता रिपेयरिंग डिस्प्ले का, क्योंकि उसमें टाइम और कभी कभी क्या होता है एक छोटा सा ट्रैक कहीं से क्रैक रहता है और वो मिलता नहीं है ढूंढ ढूंढ के, तो टाइम बहुत चला जाता है, इसकी वजह से लोग उसका उसको कम ही करना पसंद करते हैं। फिर भी एटलीस्ट उन्हें पता रहेगा तो एक दो बार ट्राई तो करेंगे कि भाई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली डिस्प्ले ना चेंज करके अपना डिस्प्ले बना के ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे किसके ट्रैक के आजू बाजू का भी वायर टूट गया है, तो अगर इस पर सोल्डिंग भी किया जाए तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इससे बेटर है मैं इस पर थोड़ा सा जम्पर लगा दूँ। तो आप देखें कि इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम रहे कि जो ज़्यादा दूर तक ट्रैक टूट गया रहे, तो आप उसको ऐसा किसी ब्लेड से उसको साफ कर लें ट्रैक को, क्योंकि अंदर कॉपर का वायर रहता है ट्रैक में, तो आप उसको थोड़ा सा साफ करेंगे तो कॉपर आपको दिख जाएगा, फिर वहाँ से आप इजीली सोल्डिंग कर पाएंगे उसके ऊपर। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि इस पर सोल्डर ही डायरेक्टली लगा दिया जाए तो चल जाएगा, क्या नहीं होगा तो फिर वायर से जम्पर लगा देंगे। एक्चुअली यहाँ पे सोल्डिंग हो तो रहा है, अगर हम करें तो इसको प्रॉपर लग रहा है कि हो जाएगा। थोड़ा सा वायर बड़ा करना पड़ा लेकिन हो गया लगता है, और इस तरीके से दूसरे भी पॉइंट सारे। ये डिस्प्ले में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि इसके पॉइंट पीछे के बहुत बड़े बड़े थे जो कटे हुए नहीं थे, उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, रहेगा तो फिर इसको वापस से चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई ट्रैक टूटा तो नहीं है। ये तो चलिए प्योर बच गया है, ठीक लगभग पॉइंट हमने सोल्डिंग कर दिया है, कुछ पॉइंट जिसमें पहले से बराबर सोल्डिंग था उसको नहीं किया। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तो फिर से रिटर्न। एक मिनट, हाँ तो पॉइंट छूट गया है जो कि करके ही ट्राई करते हैं, सारे पॉइंट ढीले हो गए हैं। इसमें कभी भी सोल्डिंग करते समय ध्यान रखें कि ये एक दूसरे इस तरीके से कोई भी पॉइंट एक दूसरे में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से लगभग हो गया है। एक बार ट्राई करते हैं,
ये देखिए फाइनली आपका डिस्प्ले रेडी हो गया, डन। ठीक है, पूरा का पूरा रिटर्न में इस तरीके से सोल्डिंग करके ये देखिए पूरा पूरा डिस्प्ले 100% रेडी हो गया। इस तरीके से कितना भी डैमेज हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको बनाने बैठेंगे तो बन जाएगा। बट कभी कभी होता है कि ट्रैक नहीं मिलता है, बारीक ट्रैक होता है वो नहीं मिलता है, तो फिर नया डिस्प्ले ही लगाना ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके से अपना कोई भी डिस्प्ले रिपेयर कर सकते हैं। और कभी भी इनकेस आपको ऐसा कुछ ज़रूरत हो, नया डिस्प्ले वगैरह मंगाना हो, कुछ भी नया इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट आपको नए में चाहिए हो, आपको काटा बाजार से अवेलेबल होगा ऑलवेज। कभी भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन क्वांटिटी में मंगाएंगे तो ही, क्योंकि 2-4-5 की क्वांटिटी में हम भेजने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्वांटिटी में मंगाइए, फिर मैं आपको आपके एंड पे ही पहुँचा के दूंगा। जहाँ भी आपको लगेगा आप बस आपका एड्रेस बताइए, हम आपको वहाँ पे आपको मटेरियल डिलीवर करवा के देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय।